वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। तो अभी तक आपको टाइटल देखकर समझ में आया है मैं कौन सा टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। यस, आज फिर से पीसीओडी को लेकर मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इतना ज़्यादा पीसीओडी को लेकर कमेंट आते हैं और पीसीओडी को लेकर वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद करते, इसलिए फिर से पीसीओडी को लेकर मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये पीसीओडी जो है इनके ऊपर कोई भी बात मैं क्यों ना कर लूँ बहुत ही कम हो जाते आपके लिए, बहुत सारे लोग के लिए समझ में ही नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे तरह आप सभी बहुत अच्छे रहो, पीसीओडी से ओवरकम करके आओ और कंसीव भी कर जाओ, जिन जिन्होंने पीसीओडी पे कंसीव करना चाहते हो। और जिन जिन मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो मैं चाहती हूँ उनको भी पीसीओडी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो इसीलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस से ज़्यादा मतलब पीसीओडी के ऊपर कुछ नॉलेज आ गए हैं, क्योंकि मैं पैरामेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरा कोर्स था एक पैरामेडिकल के ऊपर, मेरा स्टडी था, तो बहुत सारे हेल्थ के बारे में मुझे पता है, मतलब बहुत सारे मैं नहीं बोलूँगी, छोटे छोटे कुछ नॉलेज मेरा है। तो चलिए आज के वीडियो में पीसीओडी के ऊपर शेयर करने जा रही हूँ, और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ आपके कुछ हेल्प मिले तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूले, और मिल रहे हैं तो प्लीज़ वो भी बोलना ना भूले, और आपको कैसे लग रहे हैं कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना है वो भी बोलना ना भूले, और अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले। ऐसा ऐसा पीसीओडी उसके अलावा और भी मैं वीडियो डालती हूँ मेरे चैनल के ऊपर, आपको देखना पसंद है या देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब आप कर रहे हो तो सब्सक्राइब के बाद जो पास में मतलब बाजू में एक बेल बटन होता है, टिंग 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 जो बेल बटन होता है, उसे भी दबाना ना भूले, क्योंकि वो बेल बटन मेरे चैनल की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली पीसीओडी एक ऐसा चीज़ है, मतलब पीसीओडी एक ऐसा डिसऑर्डर हो चुका है, आजकल 10 लेडीज़ के अंदर 7 लेडीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और इस प्रॉब्लम पे क्या होता है, हमारा बाल इतना ज़्यादा झड़ता है उसके बारे में मतलब हम लोग को पता चलते हैं, फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा टेक केयर नहीं करते, इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बस यही बोल देते कि जस्ट ये एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं या कुछ हमारे अंदर का कुछ मतलब गैस्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से होता है, ऐसा हम लोग सोच लेते, बट ऐसा नहीं है, थोड़ी ना ऐसा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है। बट हम लोगों को जब पीसीओडी हो जाता है, मतलब एक वुमेन बॉडी के अंदर जब हार्मोनल इशू हो जाता है, मतलब हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, तब तो पीसीओडी बनता है धीरे धीरे, ओवरी के अंदर सीस्ट आ जाता है, तभी जाके इतना ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वुमेनों को जैसे कि 10 के 5 के अंदर जिनको पीसीओडी है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आ जाता है, जैसे कि मुझे आया था, मेरा बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आया था। अनवांटेड हेयर तो इधर आ रहे थे हेयर और इधर से जा रहे थे, ये प्रॉब्लम हर सभी को आप ख्याल करके देखोगे आ रहे हैं शायद। और इसके साथ साथ क्या होते, बहुत सारे लोगों का स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं और फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बट जो बॉडी के अंदर स्किन होता है, बॉडी की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस दिखाई देते और काला पड़ जाते। आप गोरे हो तो थोड़ा काला आपका जो स्किन होता है वो हो जाता है धीरे धीरे। तो ये आप ख्याल करके देखोगे, ये आपको हो रहा है तो प्लीज़ इमिडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको मतलब आपको इन फ्यूचर ढेर सारे प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा इसके वजह से, इन पीसीओडी के वजह से, इसीलिए आपको अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ही चाहिए। मैरिड हो तो आप मुझे देख रहे हो तो मैं यही बोलूँगी आपके लिए, आपके पीसीओडी नए नए आपके ऑब्जर्वेशन पे आए हैं तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जस्ट 2-3 मंथ्स या 5-6 मंथ ऐसा हुआ है, तो आपके डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है, फिर भी चलेगा। आपके एक्सरसाइज करने के वजह से, थोड़ा डाइट में चेंजेस लाने के वजह से, आप कुछ सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट पे, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये पीसीओडी को ओवरकम करने के लिए हेल्प करेगा। बट आप अभी शादीशुदा हो, आपके मैरिड के बाद आपको हुआ है, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी आपके लिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि पीसीओडी बहुत सारे लोगों का कंसीव नहीं कर पाने का एक वजह अभी हो चुका है। तो आप कंसीव करना चाहते हो और अभी कंसीव नहीं करना चाहते हो, फिर भी कुछ टाइम के लिए आप प्लान अभी तक कुछ भी नहीं किए हो, कुछ ईयर्स के बाद करोगे, बट फिर भी आपको अभी पीसीओडी आ गए हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं बोलूँगी अभी आपका नया है तो आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन ये एकदम
रूट से ठीक करवाते हैं पीसीओडी को, मुझे जैसा पता है। बट इसका जो एलोपैथिक मेडिसिन है, अभी तक इंडिया पे एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं आए कि पीसीओडी को एकदम रूट से ठीक करवा सकते हैं। जस्ट ये जो कंट्रासेप्टिव पील होता है, मतलब जो बर्थ कंट्रोल पील होता है रेगुलर, वही और मेट्रोफर्मिन के वजह से ये पीसीओडी उन्होंने कंट्रोल करवाते हैं। बट बहुत सारे लोगों का ये कुछ भी फायदा नहीं होता है, वरन ये नुकसान पहुँचता है उनके शरीर में जाके, और उनको इसे ऑपरेट भी करना पड़ा। मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है, मतलब व्यूअर्स फ्रेंड है, सब्सक्राइबर फ्रेंड्स है, उनका ढेर सारे बार उनका जो ऑपरेशन किया गया है, बट फिर भी पीसीओडी का जो सिस्ट है वो फिर से चले आए हैं, मुझे ऐसा कमेंट पे लिखा गया है। तो मैं यही बोलूँगी, आप होम्योपैथी मेडिसिन के पास जाइए, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथी मेडिसिन करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, आपको शायद ये ठीक हो सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ढेर सारे काम भी करना है, सिर्फ मेडिसिन की वजह से कुछ भी नहीं होता है। मेडिसिन जस्ट सपोर्ट के तरह ये रहता है एक पास में, जैसे कि आपके मन का शांति के लिए रहता है, बट आपको ही इसके ऊपर मेहनत करना है। आपके मेहनत के वजह से ही ये पीसीओडी जो होगा वो ठीक हो सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते। तो मैंने कैसे कैसे ठीक की हूँ, जैसे कि ये वीडियो के ऊपर आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। नंबर वन, मैं एकदम पहले ही ध्यान देती थी मेरे डाइट के ऊपर। तो मैं जब भी मेरा अब्जर्व पे आए थे मेरे पीसीओडी, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था डाइट चेंजेस। क्योंकि डाइट चेंजेस के मतलब क्या होता है, हेल्दी डाइट लेना। आप अभी तक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, आपको पीसीओडी हुआ है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्योंकि पीसीओडी के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो सके वो लेना चाहिए। आप पीसीओडी को इमिडिएटली ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको पीसीओडी के ऊपर जो डाइट होता है उसे लेना चाहिए। तो मैं पीसीओडी के ऊपर बहुत सारे डाइट फॉलो की थी, मतलब मेरे तो पीसीओडी 5 मंथ के अंदर ठीक हो चुका था, कंट्रोल में आ चुका था, इसलिए मैं कंसीव भी कर गई थी और मेरा जो प्रेगनेंसी था वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हुआ था। मैं जो डाइट मैं फॉलो की थी वो सारे डाइट पीसीओडी के ऊपर मैं मेरे चैनल के ऊपर डाली हूँ, आपके फायदे के लिए, आपके हेल्प हो इसके लिए, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा है। डाइट में एक्चुअली आपको क्या लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है और फाइबर भी लेना है। जैसे कि आप अभी डाइट करें तो डाइट के अंदर थोड़ा रॉ फूड्स भी लेना पड़ता है, तो उसे अच्छे से कंज्यूम करने के लिए आपको लेना है फाइबर। तो मोर फाइबर क्या करते हैं, फाइबर आपके बॉडी पे जाके ये कंज्यूम करवाते हैं खाने को, और आपके पेट को अच्छे से साफ करवा देते हैं, इंसुलिन लेवल को ये रिड्यूस करता है। तो इसके वजह से क्या होगा, एक हेल्दी डाइट मेंटेन होगा आपके बॉडी के अंदर। इसीलिए पीसीओडी के टाइम पे आप अच्छे डाइट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे पीसीओडी के ऊपर डाइट देख के रखी हूँ, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, और नहीं चाहो तो आप डाइटिशियन के पास भी जा सकते हो। बट बहुत अच्छा अच्छा डाइट आप एक बार फॉलो करके देख सकते हो। मैंने जो डाइट रेसिपी, डाइट के जो रूटीन मैं डाल के रखी हूँ, प्लीज़ उसे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। मैं भी उसे फॉलो करती थी और मुझे तो बहुत अच्छा खासा काम कर चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर टू, मुझे ये प्रायोरिटी था मेंटेन एक हेल्दी बॉडी वेट। एक्चुअली क्या होता है, पीसीओडी के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अंडरवेट भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा ओवरवेट भी नहीं होना है। ओवरवेट क्या करते हैं, इंसुलिन लेवल को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन लेवल आपको बढ़ जाते हैं तो आपके बॉडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ओवरवेट तो होते ही है, और ढेर सारे हार्मोन एकदम एक जैसे, मतलब बैलेंस में नहीं रहता है, मेंटेन में नहीं रहता है, वो हार्मोन इम्बैलेंस में आ जाते हैं, हार्मोन बैलेंस में आते तो सीस्ट हो जाता है, ढेर सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए तो ओवरवेट नहीं होना है और अंडरवेट भी नहीं होना है। अंडरवेट आप हो जाते हो तो ये भी इन्फ्लेमेशन कर देते हैं मसल के अंदर हार्मोन्स जाके, तो इसके वजह से भी पीसीओडी आपको हो सकती है। क्योंकि मेरा भी बहुत सारे व्यूअर्स फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला है कि दी मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। उनका हाइट है 5'2" बट उनका वेट है 49-48 समथिंग, बट वो भी अंडरवेट है। आपको ऐसा वेट नहीं रखना है, जस्ट 50-52 ऐसा आपको मेंटेन करना है। इसके वजह से बहुत ही अच्छा आपके हार्मोन्स मेंटेन में रहेगा, बैलेंस में रहेगा, तो इसके वजह से आपके पीसीओडी बहुत अच्छा मेंटेन में रहेगा। एक्चुअली क्या था, पीसीओडी मेंटेन में रहता है, पीसीओडी एकदम बैलेंस में रखना चाहिए आपको। तो एक हेल्दी बॉडी वेट आपको मेंटेन करना ही चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से इसे ध्यान में रखी थी। और मेरा जो पीसीओडी सक्सेसफुल जर्नी है,
एकदम मतलब बहुत अच्छे से मैंने सक्सेसफुल करके कंसीव भी कर चुकी थी। तो पीसीओडी के ऊपर मैंने स्टोरी भी डाल के रखी, 1-2 दोनों पार्ट है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी। थर्ड नंबर पे डाइट हो गया है और एक हेल्दी बॉडी वेट हो गया है, तो उसके बाद क्या आते हैं, एक्सरसाइज। तो एकदम बैलेंस्ड एक्सरसाइज आपको करना है, जैसे कि आप एक दिन 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो, एक दिन 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये आपके बॉडी के ऊपर बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बुरा तरीके से ये असर दिखाते हैं। इसीलिए आप जैसे ही आपको ही एक टाइम मेंटेन करना है, आपको एक टाइमिंग को मेंटेन करना बहुत अच्छा होता है ये एक्सरसाइज के बारे में। मतलब आप सुबह कर रहे हो तो हर डेली आपको सुबह ही करना है, आप कर रहे हो 1 घंटे तो 1 घंटे ही करना है, आप शाम को कर रहे हो तो वो भी शाम को करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी 1 घंटा है। बट मैं बोलूँगी दोनों टाइमिंग आपको करना है। आप पीसीओडी पेशेंट हो तो सुबह में आप जाओ वॉकिंग करने के लिए, तो आप सुबह में ही वॉकिंग करते हो खाली पेट, तो आपको सुबह में ही खाली पेट वॉकिंग करना चाहिए। आप शाम पे थोड़े एक्सरसाइज कर रहे हो या आप दोपहर के टाइम पे, मतलब एकदम एम्प्टी स्टोमक आपको करना है, तो दोपहर के खाने के पहले आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पीसीओडी का जो एक्सरसाइज होता है वो आप कर सकते हो 40 मिनट्स। तो ऐसे ही आपको 1 घंटा मिलाकर करना है एक्सरसाइज, उसे ज़्यादा नहीं उसे कम भी नहीं। तो आप चाहते हो कैसे आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन टाइमिंग ये आप फिक्स कर सकते हो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, आपकी मर्जी। बट एम्प्टी स्टोमक करना है और दोनों टाइमिंग को आपको फिक्स करना है, तो देखिए आप कैसे कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा मतलब काम दिखाई थी पीसीओडी के टाइम पे, इसीलिए एक्सरसाइज मैं बोलूँगी एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। ये इंसुलिन लेवल को एकदम अच्छे से फिक्स्ड रखते हैं। इंसुलिन लेवल जो होता है, ये इंसुलिन हार्मोन बहुत बिगड़ता है पीसीओडी के टाइम पे, और इंसुलिन मतलब बहुत ख़तरनाक होता है। ये ओवरवेट मतलब आप वेट आपके ज़्यादा नहीं है, आप वेट एकदम बैलेंस में है, तो ये ओवरवेट भी आपको कर सकता है। तो पीसीओडी के टाइम पे वेट ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। फोर्थ नंबर पे जो मैं करती थी, मतलब बहुत अच्छा नींद आपको लेना है, गुड क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए वेट लॉस करने के लिए। और पीसीओडी के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है हम लोग के ऊपर, इसीलिए गुड क्वालिटी नींद हम सभी के लिए चाहिए, हर किसी के लिए, सिर्फ स्पेशली पीसीओडी के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है, पीसीओडी के लिए तो चाहिए ही चाहिए आपको। 8 घंटे के लिए नींद पूरी करना ही करना है, तो नींद पूरी करने के लिए इसके साथ ना एक लिंक होता है सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट आप कितना ले रहे हो, सप्लीमेंट के ऊपर ना आपका नींद अच्छे से आते। तो सप्लीमेंट जो नेचुरली मिलता है, नेचर पे मिलता है, वो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि टर्मरिक होता है, और आप जो केमिकल शॉप पे मिलता है यानी ड्रगिस्ट शॉप पे, मेडिकल शॉप पे जो मिलता है वो भी आप ले सकते हो। तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मैं बोलूँगी, बट टर्मरिक, सिनेमन, होली बेसिल, ये भी सप्लीमेंट होता है, ये एकदम नेचुरल सप्लीमेंट होता है, ये आपको अच्छे से खाना है, ये बहुत अच्छा होता है आपके पीसीओडी के टाइम पे। और विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये भी आप ले सकते हो। मैंने 1-2 मंथ ऐसे लिए थे विटामिन डी का, जो कर्ड लिवर ऑयल का कैप्सूल था वो विटामिन डी एंड वो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे से उसके अंदर रहता है, बट कुछ दिन के बाद ही मैं उसे छोड़ चुकी थी। और एकदम नेचुरल जो भेजीज होता है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, फ्लावर्स, स्पिनच के अंदर बहुत अच्छे से विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ रहता है, जो बहुत अच्छा है आपके पीसीओडी के लिए। और ब्रोकली आप नहीं खा सकते तो कॉलीफ्लावर ले सकते हो, कॉलीफ्लावर भी बहुत अच्छा है। आलमंड्स ले सकते हो, काशू नट्स ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, बनाना एकदम मैग्नीशियम पे भरपूर है, बट आपको दिन में एक से ज़्यादा नहीं खाना है पीसीओडी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा बनाना नहीं खाना है, क्योंकि एक से ज़्यादा बनाना खाते हो तो जैसे कि आपको ओवरडोज हो जाता है, वैसे ही ये मतलब ओवरडोजेस लेना एकदम अच्छा नहीं है। और एक ले सकते हो, मैंने एक लेती थी दिन में 2 करके, बट एक वाइट लेना बहुत अच्छा है, बट मैंने होल एग ही लेती थी, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ होल एग लेना बहुत अच्छा, क्योंकि योग के अंदर भी बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। आप नहीं पसंद करते हो तो रिड्यूस कर सकते हो, बट होल एग लेना भी ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है, आप इसे ले सकते हो। प्रायोरिटी होना है जैसे कि मेरा था, कट आउट ऑल पैकेज फूड एंड शुगरी फूड्स। जैसे कि जो पैकेज फूड होता है ना, उसके अंदर तो केमिकल पे भरपूर होता है, वो आपको नहीं लेना है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दी मैं जो पैकेज आटा लेती हूँ वो अच्छा है या बुरा है, बट
ठीक है वो चलता है, क्योंकि आटा भुने के बाद सेकने के बाद मतलब वो आग के अंदर जाने के बाद हम खाते तो थोड़ा केमिकल रह जाता है, फिर भी वो आग के अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं होता, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। बट जो पैकेज फूड होता है ना, मतलब कुकीज़ जो होता है, मिक्सचर जो होता है, ड्रिंक्स जो होता है, हार्ड ड्रिंक्स होता है, बहुत सारे पेस्ट्री, केक, ये सारे वगैरह आपको अवॉइड करना है। चिप्स, आपका चिप्स खाने का मन कर रहा है तो आप घर के अंदर थोड़ा पोटैटो फ्राई करके खा सकते हो, तो पोटैटो फ्रेंच बनाकर खा सकते हो, ये बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा आप ले सकते हो घर के अंदर कुछ जैसे कि पीनट, आप थोड़ा सूखा मतलब ड्राई रोस्ट करके ले सकते हो, आप काला भुना हुआ चने ले सकते हो, आपका मन कर रहा है तो आप ड्राई रोस्ट करके काजू किशमिश और जो आलमंड्स होता है उसे बनाकर खा सकते हो, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मिलाकर। पैकेजिंग फूड को मैं क्यों आप लोगों को लेने के लिए मना कर रही हूँ, एक्चुअली सभी ने जानते हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहता है, उससे ज़्यादा रहता है, बहुत सारे पैकेजिंग फूड के अंदर शुगर रहता है, उसके अलावा सॉल्ट रहता है, ये बहुत हार्मफुल होता है, केमिकल तो रहता ही है, प्रिजर्वेटिव भी रहता है, ये प्रिजर्वेटिव इंसुलिन लेवल को बढ़ा देते हैं जो पीसीओडी के टाइम पर बहुत ही खतरनाक होता है, इंसुलिन लेवल को बढ़ा देते हैं और भी ज़्यादा हार्मोन को भी ये बिगड़ देते, तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही होता है, इसीलिए आपको पैकेजिंग फूड्स एकदम अवॉइड करना चाहिए, घर का खाना आपको खाना है। ये भी मेरा प्रायोरिटी था, मैं पीसीओडी वो 4 मंथ पे कोई भी मैं बाहर का फूड नहीं लेती थी, उस टाइम पे मैं कोई भी आइसक्रीम बाइट या कोई भी केक्स कुछ भी मैं नहीं लेती थी, ये नहीं लेना चाहिए पीसीओडी के टाइम पे, स्पेशली आपको घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा आपका, बहुत खाना मतलब स्वीट क्रेविंग हो रहा है तो आप गुड़ ले सकते हो, कोई भी मीठा बना रहे हो तो उसके अंदर आप गुड़ डालो, गुड़ से आप स्वीट बनाकर घर के ही अंदर बहुत ज़्यादा नहीं मांग पे 1 से 2 बार आप ले सकते हो, तो आपके लिए ही अच्छा होगा ये साला, जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। नंबर 6 मैं बोलूँगी एकदम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो मैंने ली थी होम्योपैथी ट्रीटमेंट, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ और आपको लेने के लिए भी सलाह दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मतलब कॉस्टली नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत सारे लोग करवाना चाहते हैं, वो भी बहुत सेफली होता है। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली थी इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसका ऑप्शनल आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा सकते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, सेफ होता है एंड सिक्योर भी होता है, उन्होंने दावा करता है कि हम लोग आपके जो पीसीओडी है इसे एकदम रिकवर कर दूंगी, बट ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, हर किसी के लिए अफोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, उसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट थोड़ा कम खर्च में हो जाता है, बट टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है हम लोग के ऊपर, इसलिए गुड क्वालिटी नींद हम सभी के लिए चाहिए, हर किसी के लिए, सिर्फ स्पेशली पीसीओडी के लिए मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं है, पीसीओडी के लिए तो चाहिए ही चाहिए, आपको 8 घंटे के लिए नींद पूरी करना ही करना है, तो नींद पूरी करने के लिए इसके साथ ना एक लिंक होता है सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट आप कितना ले रहे हो, सप्लीमेंट के ऊपर ना आपका नींद अच्छे से आते, तो सप्लीमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो तो नींद आपको अच्छे से आएगा, तो सप्लीमेंट आप नेचुरल भी ले सकते हैं, जैसे कि नेचुरली बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलता है आप जो मेडिकल शॉप पे मिलता है, वो भी सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट के, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा कम खर्च में हो जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो तो कुछ दिन के लिए आप देख सकते हो ये करवा के, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल से या मेट्रोफार्मिन से, इससे लेने की वजह से थोड़े दिन के लिए आप मतलब जितने दिन आप ले रहे हैं उतने दिन आपका पीरियड शायद आ सकते हैं, आप बंद कर दोगे तो फिर से ये प्रॉब्लम जारी हो जाएगा, 2-3 महीने के लिए आप ठीक हो सकते हो, उसके बाद फिर से ऑपरेशन, मतलब मैं यही बोलूँगी इसीलिए कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ये मेरे रिसर्च से मेरे एक्सपेरिमेंट के वजह से ही मैं बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस, मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे आप मत जाइए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही करवाइए, बहुत आपको परेशानी हो गए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं होता है, मतलब सूट नहीं करते, तो आप आयुर्वेदिक पे भी जा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, बट जिन जिनका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ये तो कोई भी रास्ता नहीं होता है उनके लिए, एकदम डायरेक्टली एलोपैथी ट्रीटमेंट पे ही जाना होता है, बट उससे पहले आप होम्योपैथिक करवा सकते हो, आयुर्वेदिक भी करवा सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है। अब सप्लीमेंट ऐड करो अपनी डाइट के ऊपर, थोड़ा सा चेंजेस लेके आओ, अब देखोगे
अपने आप ही ये देख पाओगे, रिजल्ट जो होगा ना आपके सामने ही होगा। आप थोड़ा वेट लूज करवाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है एकदम वेट लूज नहीं करवाना चाहते, जैसे कि उन्होंने सोचता है पीसीओडी हुआ है, जैसे कि ये बुखार की तरह है, ये जुकाम की तरह, ये सर्दी की तरह है, मेडिसिन ले लूँगी ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा आपको गलत फहमी है, पीसीओडी हुआ है आपको ही इसके ऊपर थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंट लाना है। आप चाहते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सरसाइज करके इसे आप ओवरकम कर सकते हो, मतलब पूरा आपके हाथ के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा मतलब आपके शरीर के ऊपर टचर करोगे, इतना ज़्यादा पीसीओडी आपको घेर के ही रहेंगे। जैसे कि आप स्वीट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट जो होता है, एकदम वाइट शुगर और जो वाइट फ्लोर होता है मतलब मैदे होता है, वो आप ले रहे हो, मतलब सब कुछ ले रहे हो आपके पीसीओडी के टाइम पे, तो ये बहुत बुरा है, बहुत हार्मफुल है आपके पीसीओडी के टाइम पे। इसीलिए मैं बोलूँगी, मेरा बहुत सारे पीसीओडी के ऊपर वीडियो है, आप देखो, एक्सपेरिमेंट करो, आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं सारे के सारे लिंक दे दूँगी, आप एक बार चेक कर सकते हो। और मैं ज़्यादा बकबक नहीं बढ़ाऊँगी, आज के लिए मैं यही पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट कोई वीडियो पे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पास में रहे जो टिंग टिंग बेल होता है उसे भी दबा के रखना, क्योंकि वो टिंग टिंग बेल आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।